नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं एंजल टेक्निकल एनालिसिस। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एंजल टेक्निकल एनालिसिस में। इसमें हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी में जो ट्रेड जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है और कल के लिए कौन सा ऐसे स्टॉक हैं जो हमें पैसे बनाकर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक ने निफ्टी बैंक आज हैमर कैंडल बनाई है निफ्टी बैंक ने, और इसने आज क्लोजिंग दी है 30,066 पे। सुबह के टाइम हम देखेंगे, 5 मिनट की कैंडल लगाकर देखेंगे। सुबह के टाइम ये देखिए गैप अप ओपन हुआ था, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और अपने लेवल पर सस्टेन करता रहा और इसने सुबह का लो नहीं तोड़ा और हाई ब्रेक करने के बाद इसका हाई लगा 30,415 का। आफ्टर सेकंड सेशन में जब इसने ये लेवल ब्रेक किया, गैप अप ओपन जो हुआ था वो लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमको 30,122 और ये लमसम 100 से सवा 100 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया। तो अब हम वन डे के चार्ट में देखेंगे कि कल कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने ऊपर से एक रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसने बहुत ही खूबसूरत एक हैमर कैंडल बनाई है। तो ये मेरे व्यूअर्स को पता ही होगा कि ये जो हैमर कैंडल जो है ये एक बेरिश कैंडल होती है और ये ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल होता है। तो कल के लिए हमारा जो लेवल होगा वो इसका लोअर लेवल होगा, तो इसने जो है लो लगाया है 29,987 का। तो कल अगर ये सुबह के टाइम में 29,987 का लेवल ब्रेक करता है तो आप 29,878 के लिए और 29,762 के लिए इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कल निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आज ये रेजिस्टेंस लेवल कल इसने ब्रेक किया था, तो हमारा व्यू था कि अगर आज ये 750 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, बट इसने आज ये लेवल क्रॉस नहीं किया और आज इसने एक बेरिश कैंडल बनाई है। तो कल के लिए अगर ये 750 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें 762 के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अगला स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आप ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये लेवल देखिए, अपने हायर लेवल पे जाकर इसने एक देखा जाए तो इसने भी एक बेयरिश टाइप की कैंडल बना रखी है। तो अगर वैसे इसमें मेरा व्यू तो कल ट्रेड करने के लिए नहीं है, बट अगर फिर भी अगर इसमें अगर ट्रेड लेना चाहो तो इसके लोअर जो 92.80 का लो इसने लगाया है, तो इसमें इंट्राडे के लिए कोई छोटा मोटा 2 रुपये के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक से तो मैं दूर ही रहता हूँ, वैसे इसमें ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन हम ये ड्रॉ करके देख लेते हैं। नो, ट्रेंड लाइन सही से नहीं हो रही है। आप ये देखते हैं ये लेवल जो है, ये जो सपोर्ट इसका बना हुआ है, तो मैं इसको ड्रा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये लेवल ये देखिए, इसने एक हैमर कैंडल यहाँ पर ही बनाई है, तो इसमें क्या 2 रुपये के लिए इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 80 रुपये, तो 80 रुपये के लिए 2 या 3 रुपये के लिए इसमें कल ट्रेड लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है HDFC बैंक। HDFC बैंक बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक हाई वेटेड स्टॉक है, जो जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। तो आज इसने एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है जिसको हम बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल होती है जिस जो अपने प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर पूरा समा लेती है। तो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल का जो ये आज ये बता रहा है, कल बेयरिश बैंक निफ्टी HDFC बैंक जो है काफ़ी बेयरिश होने वाला है मेरे हिसाब से। तो कल अगर ये आज का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें 1200 फर्स्ट पोजीशन जो है 1220 और सेकंड जो है 1210 के लिए
इंट्राडे में ट्रेड लिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसी बैंक, जिसका वेटेज बैंक निफ्टी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आता है। इसने भी सेम आज बेयरिश कैंडल बनाई है, तो ये भी जो है एक रेलवे ट्रैक पैटर्न इसको कहा जा सकता है। तो अभी क्योंकि ये अपने हायर लेवल पे बैंक आईसीआईसी बैंक ने जो है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, तो इसमें भी हम कल सेल साइड के बारे में हमारा व्यू रहेगा, इसमें बाइंग के लिए हमारा कोई व्यू नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी बैंक ने देखिए कल एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, इसके ऊपर कल देखिए ब्रेकआउट दिया था। तो कल मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, सॉरी मैं उसको जो है पोस्ट नहीं कर सका वीडियो को, थोड़ा टेक्निकल इश्यू था। तो आज ये देखिए इसके ऊपर जब इसने ये निकला है 43 रुपये 40 रुपये के ऊपर, तो उसके बाद इसने काफ़ी अच्छी एक मूवमेंट दी है और ये अब अपने रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर इसने क्लोजिंग दी है। तो इसमें अगर कल की डेट में अगर ये 45 रुपये का लेवल ब्रेक करता है, तो हम इसमें 45.80 रुपीज़ के लिए हम इसमें इंट्राडे ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडसइंड बैंक जो अभी एक रेंज बाउंड में चल रहा है। इसमें हम मूविंग एवरेज लगा के देख लेते हैं, जो हमारा एक 20 का जो मूविंग एवरेज है, 20 का मूविंग एवरेज एट द मिडल ऑफ आ रहा है। और नेक्स्ट हम जो है देख लेते हैं 200 का मूविंग एवरेज, वो तो अभी काफ़ी ऊपर है। सो इसमें अभी हमको कल ट्रेड लेने से बचना चाहिए, कल इसमें हम अगर ट्रेड ना लें तो अच्छा है। वैसे इसमें बहुत सारे बैंक निफ्टी में काफ़ी स्टॉक्स हैं, इसमें कल आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो इसमें अगर ट्रेड ना ही बनाया जाए तो ठीक है, मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, हाँ ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इसमें 1500 रुपये के टारगेट के लिए इसमें पोजिशन बनाई जा सकती है, पोजिशनल ट्रेड। नेक्स्ट हमारा है कोटक बैंक। कोटक बैंक जो है ये भी अब आप देख सकते हैं, ये अपने ट्रेंड लाइन पर इसने सपोर्ट दे रखा है और कंटिन्यू देख रहे हैं आप, 3-4 दिन से कंटिन्यू इसी लेवल पर ये आकर स्टॉप करता है। तो अगर कल के डेट में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, कल के डेट में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और उसके ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है, तो परसों के लिए हम इसमें 1548 और नेक्स्ट जो है 1533 रुपये के टारगेट के लिए इसमें हम इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीएनबी। तो ये मोदी साहब का बैंक है तो आप ये देख सकते हैं इसने आज वैसे बहुत खूबसूरत ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक किया है, ब्रेक करके ऊपर जो इसने कैंडल बनाई है ये भी एक बियरिश कैंडल में आ जाती है। तो हम इसमें ट्रेड अपना हम पोजीशन बनाएंगे जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम इसमें पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज इसमें हमारा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट हमारा है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक, सॉरी कल जो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर सका उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि कल इसने जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था और क्लोजिंग इसके ऊपर दी थी, इसका हाई प्राइस था 291 रुपीज़। और मैंने उसमें बताया था, सॉरी मैं तो वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया तो क्या बताऊँ, 291 रुपीज़ के ऊपर अगर ये अगर ट्रेड करता है तो इसमें हमारा टारगेट 316 का था, तो आज इसने जो हाई लगाया है वो 324 का लगाया है। तो मेरे हिसाब से अभी इसी फ्लो में जाना चाहिए, और अगर ये आज का हाई तोड़ता है, 325 का हाई लेवल तोड़ता है, तो इसमें हम पोजिशनल की बात मैं अभी कर रहा हूँ, 363 के लिए हम इसमें पोजिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक जो इसने आज बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है, ये देखिए कल जो मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके रखी हुई है ये हायर लेवल पर, तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, तो कल के डेट में इसने ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा था और इसका हाई 291 था, और 291 के बाद आज ये गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये अपने हायर लेवल पर ही ट्रेड करता रहा। तो आज इसने जो है क्लोजिंग 293 to 318, तो इसने आज बहुत ही अच्छी मूवमेंट दे सकते दी है। आप ये देख सकते हैं कि नियर अबाउट इसने 24 to 25 रुपीज की मूवमेंट दी है। वैसे अपने स्टेट बैंक की मूवमेंट जो होती है वो 2 से 3% की ज्यादातर मैं देखता हूँ, बट इसने आज ये जो है बहुत ही अच्छी मूवमेंट दी है। इसमें आज मैंने ट्रेड भी बनाया था और इसमें बहुत एक अच्छा प्रॉफिट भी लिया है। तो कल के लिए हमारे इसमें ट्रेडिंग प्लान रहेगा कि अगर ये इसके हायर लेवल के ऊपर ये ब्रेक करता है
तो हम इसमें 3:35 के लिए इसे पोजीशन बना सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से कल यहाँ पर एक बीरिश कैंडल बननी चाहिए, या डोजी कैंडल हो या पीरिस टाइप की कोई भी कैंडल हो सकती है। यहाँ पर 1 या 2 दिन सस्टेन करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो सकती है और इसमें काफ़ी अच्छे पैसे इसमें से बनाए जा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है ये यस बैंक, जो कि आज ये बहुत खूबसूरत तरीके से ये आज ऊपर गया है। ये देखिए, कल की वीडियो मैंने मैंने ये बताया था कि अगर 60 रुपये के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। और वैसे मेरा टारगेट जो था वो 64.50 या 65 का था, 5 रुपये का मेरा टारगेट था, बट ये तो आज बूम कर गया। और ये देखिए 79 रुपीज़ का इसने हाई लगाया और जो है 54, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट इसमें आज यस बैंक ने दी है। इसमें काफ़ी जो है अपनी FII और DII तरफ से पोजीशन बनाई जा रही है। तो यस बैंक का आगे ध्यान रखिएगा, अगर अब ये 82 रुपीज़ का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें मेरे हिसाब से एक अच्छी चाल बनने वाली है, क्योंकि ये देखिए 200 का लेवल जो है अभी काफ़ी ऊपर है, 140 या 132 पर है, और जो है 50 का जो मूविंग एवरेज, तो ये देखिए कल ये 50 का मूविंग एवरेज के सपोर्ट ले रहा था, तो आज इसने 50 का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर इसने आज जो है काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट दिया है। तो इसका इस पे ध्यान रखिएगा कल के डेट के लिए। बाकी मेरे जो भी हमारे जितने भी नए दोस्त हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल प्रेस जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी आपको नोटिफिकेशन हो आपको सबसे जल्दी मिले। और हम डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो हम डेली बेस पर हम यहां पर लाते रहेंगे, और इसमें कुछ जो काफ़ी अच्छे स्टॉक जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं, 3 to 4 स्टॉक्स, उसके बारे में हम एनालिसिस क्या करेंगे। और इस पर हम एक नया कोर्स लेकर आने वाले हैं, कोर्स जो है बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपका कोई पैसा आपको पे नहीं करना है। उसमें हम आपको जो भी प्राइस एक्शन में जो भी काम होता है, जिस तरह से वो वर्क करता है, जो भी हमें हम मैं आपको वो चीज़ एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऑप्शन की सीरीज लेकर आने वाला हूँ, ऑप्शन की सीरीज में कैसे काम किया जाता है, FNO क्या होता है, उसके बारे में फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग होती है, टाइम डिके क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।